जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया प्रोस्पेक्ट का स्वागत है। इस वीडियो में हम सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली बात इस पे होगी कि इस स्टॉक में जो एक दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-5% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट किस वजह से इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और ये गिरावट कहाँ तक जाएगी, कब तक ये जो प्राइस नीचे जा रहा है कहाँ तक जाकर ठहरेगा और फिर वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा, तो इसी मुद्दे को इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत से लोगों को ये पता भी होगा कि अभी हाल ही में इस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ था। कॉर्पोरेट एक्शंस में क्या हुआ था कि कंपनी ने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था और 1 फरवरी को रिकॉर्ड डेट रखा गया था। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शंस होता है किसी भी स्टॉक में तो प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन होता ही होता है, ये इतिहास गवाह है, ऐसा देखा गया। चाहे वो डिविडेंड हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, कुछ भी हो, जब भी कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होता है तो प्राइस में करेक्शन होता है, जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है। लेकिन बात थोड़ी सी नहीं, बात है कि ये प्राइस लगातार नीचे जा रहा है और प्राइस नीचे जाते ही जा रहा है। तो जो लोग खासकर ऊपरी लेवल पर बाई करके बैठे हैं उनके लिए चिंता की बात है कि प्राइस नीचे जा रहा है तो उनको हैवी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। बाकी जो लोग शुरू में निचले लेवल पर बाई किए थे तो वो तो थोड़ा सा होल्ड कर भी सकते हैं, और खासकर जिनका विजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनके लिए तो अभी भी उतनी चिंता की बात नहीं। खासकर जो न्यूली इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हाल फिलहाल के दिनों में उसमें पैसा लगाए हैं, उनकी चिंता को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि तकरीबन एक सप्ताह में स्टॉक आपको 13% के आसपास टूटा है, और एक मंथ में यदि बात करें तो एक मंथ में स्टॉक आपको तकरीबन 28% से ज़्यादा की इसमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि 3 मंथ का रिटर्न और 3 मंथ से ज़्यादा का रिटर्न अभी भी ग्रीन में है और ये अभी भी ग्रीन में ही रहेगा, क्योंकि प्राइस जितना टूटना था मुझे मेरे ख्याल से, मैं चार्ट पर आपको बताऊंगा, लगभग उतना टूट गया है, करेक्शन उतना हो गया है और प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट करके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। चार्ट पर हम लोग इसको समझेंगे। न्यूज़ की बात करें तो आप देखेंगे, हालांकि उससे पहले थोड़ा सा हम लोग वॉल्यूम को समझ लेते हैं। देखिए स्टॉक में वॉल्यूम आने लगा है, एक एक दिन की मैं बात करूँ, सिर्फ आज की, अभी मैं रनिंग मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, देखेंगे 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। पहले जहाँ 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा था, एक एक सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब एक एक दिनों में यहाँ पे आपको देखने को मिलने लगा है उससे ज़्यादा ही वॉल्यूम। और कुछ खास न्यूज़ इस स्टॉक के लिए नहीं है, इस ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूज़ के बेसिस पे इस स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही। मार्च में कोई भी न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो भी थोड़ी बहुत न्यूज है और Q3 के नंबर शायद तो वो सब फरवरी मार्च के ही इसमें रिजल्ट है, जो इसमें Q3 के नंबर में कंपनी कितना प्रॉफिट वगैरह किया उसके बारे में मनी कंट्रोल वेबसाइट पर सारी चीज़ें प्रदर्शित हैं। अब हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर और यहाँ पर सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सीधे चलते हैं हम लोग कंपनी के 1 साल के चार्ट पर, और चार्ट पर समझते हैं कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है और आगे आगे फिर कंपनी के काम और फंडामेंटल के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें इस स्टॉक में करना क्या है। अभी देखिए 1 साल के चार्ट पर देखिए, सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया 10 रुपये के लेवल को, और 10 रुपये का लेवल इसके लिए चूंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहीं पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों था। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर भी गया था, नीचे भी आया था, ऊपर भी गया था, नीचे भी आया था, इसको फाइनली जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस खूब ऊपर गया, तकरीबन 30-35 रुपये तक गया। अब वहाँ से तकरीबन 35 रुपये से प्राइस फिर 20 रुपये तक आ गया है। अब ध्यान दे समझिए ये होगा क्या, एक तो चूंकि और जिसमें बताया कि कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद इसमें थोड़ी सी करेक्शन बनती है, तो करेक्शन वो हो गया जितना होना था, यहीं तक करेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है। तो प्राइस नीचे जा रहा है तो सवाल है कहाँ तक जा सकता है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा 15 रुपये के लेवल तक। अब जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेंगे, अब यहाँ तक यदि होल्ड करके आए हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा थोड़ी सी और होल्ड कीजिए और उसको 15 रुपये तक आने दीजिए। 15 रुपये तक आने के बाद यहाँ से फिर स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा समय बिताएगा, और समय बिताएगा प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, और फिर ऊपर निकलेगा तो इजीली आपको 25 से 30 रुपये तक जाते हुए शॉर्ट टर्म में बात करूँ यहाँ तक दिखेगा, जब 15 रुपये के लेवल से प्राइस ऊपर उठना शुरू होगा। तो ये गिर रहा है प्राइस को, अभी जैसे गिर रहा है गिरने दीजिए, आने दीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है 15 रुपये के लेवल तक, और 15 रुपये के लेवल तक आके जिसमें आपको बताया कि फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगा। तो आप क्या करेगा, जब यहाँ से प्राइस ऊपर उठने लगेगा तो आप यहीं पर 15 रुपये के लेवल तक और ज़्यादा बाइक कर लीजिएगा एवरेज प्राइस को कम करने के लिए। एवरेज प्राइस आपका कम होगा और उसके बाद जब प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू होगा तो आपके सारे लॉसेस यदि लॉस में तो रिकवर हो जाएंगे। बाकी जो लोग निचले लेवल पर बाई किए थे यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे बाई किए, तो उनको तो अभी लॉस नहीं हो रहा होगा, तो वो और ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा आपको क्या होगा कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट में, तो आगे जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठना शुरू होगा तो और भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म आपको करना इसमें क्या होना है और आपको क्या करना है मैंने वो आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, कोई मन में सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उस कन्फ्यूजन को वहाँ पे दूर कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। अब देखिए सलासर टेक्नो जो कंपनी है ये जो काम करती है, काम के बेसिस पे यदि हम लोग समझते हैं तो लॉन्ग टर्म में जब हम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो इसका मतलब बोलबाला रहेगा और उसके बेसिस कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में भी तेज़ी बने रहने के चांसेस है, क्योंकि ये स्टील के सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, स्टील स्ट्रक्चर और उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो बेसिकली स्टील के सेक्टर में जो कंपनी काम करने वाली है, आपको देखेंगे स्टील का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, चाहे मकान बनाना हो, कॉर्पोरेट में उसको काम मिलाना हो, तो ये काफ़ी डिमांडेबल चीज़ है।
इसलिए काम के बेसिस पे कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। प्लस जो कंपनी का फंडामेंटल वो भी ठीक ठाक है, तकरीबन 3,000 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी है। स्टॉक का पी देखेंगे तो अभी जैसे शेयर प्राइस कम हो रहा है तो स्टॉक का पी थोड़ा थोड़ा कम, हालांकि अभी कम नहीं है, महंगा ही है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम हो रहा है और शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा, ये बढ़िया बात है, जो कि सामान्यतः ऐसा ही होना चाहिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो ये भी डबल डिजिट में, यानी कि ओवरऑल जो फंडामेंटल में चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है, काम भी ठीक है। बस टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि प्राइस करेक्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, तो उसमें जो चीज़ें थी मैंने आपको चार्ट पर बता दी, उस हिसाब से आप काम करेंगे। बाकी मन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।